पादरे चली चली चारिधाम यात्रा करुछंती पंजाब रु आसीथिबा जने युवक तेबे चालंतु आमे तांको सहित कथा हवा ए चारिधाम कु पादरे चली चली बुलिबार अर्थ कोन आउ कोन रहिछि उद्देश्य ए मुख्य उद्देश्य विषय आमे कथा हवा आमे सहित पंजाब रु आसीथिबा जने भाई अछंती आमे भाईक सहित परिचित करबा। भाई अपन आपका नाम क्या है? ऋतिक सक्सेना मेरा नाम है जी। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और पंजाब में हमारा डाउनटाउन बठिंडा लगता है और श्री मुक्तसर साहब हमारा डिस्ट्रिक्ट है और गांव हमारा झोरड़ है। वहां से हमने ये यात्रा 1 दिसंबर 2022 को शुरू की थी। आज 9 महीने हो गए हैं और अभी तक हमने 6,000 किलोमीटर कवर कर लिया है। वो जो हैं अपने धाम हैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम में से जो धाम है हमारा धाम बद्रीनाथ हो गए हैं और ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ और देवघर हो गए हैं। और उसके बाद जो है अभी हम जाएंगे मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, फिर उसके बाद रामेश्वरम, फिर के अपना मुंबई में महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घुश्मेश्वर और उसके बाद फिर जाएंगे महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर एमपी में, फिर गुजरात नासिक होते हुए अपना द्वारका होते हुए हमारा ये जो है सफ़र समाप्त हो जाएगा। ये चार धाम जो आप घूमने वाले हैं, अभी आप उड़ीसा में पहुँचे हैं, उड़ीसा के बारे में कुछ आप जाने हैं? मतलब हमारा जो उड़िया लैंग्वेज है ऐसा कुछ जाने हैं आप? नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है क्योंकि अभी 1 महीना तो हो गया उड़ीसा में चलते चलते, तो थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। और ये जब मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ ना, ये भी मैं यहीं से सीखा हूँ, वैसे हमारे और बोलते हैं इसे। अच्छा, उड़िया रे कुछ बोल सकते हैं आप? उड़िया में कुछ बोल सकते हैं? उड़िया में तो समझ आ जाता है, अभी जब कोई बोल देता तो पता चल जाता है। जैसे भालोवासी और कुछ और शब्द हैं, जैसे अभी याद नहीं आ रहे मुझे, पर जब कोई बोलता है तो मुझे समझ आ जाता है अभी हाँ ये कह रहा है। अच्छा, हमारा यहाँ का जो उड़िया भाषा है ये आपको कैसा लग रहा है? भाषा बहुत फर्स्ट क्लास है, बहुत मस्त भाषा है, नमकीन सी, मतलब थोड़ा सा मजाकिया टाइप सी भाषा है, बढ़िया लगता है अच्छा सुनने में। अच्छा, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक मतलब दिमाग में आता है कि कोई एक पंजाब में आया है, उड़ीसा में है, अभी उड़ीसा में आप जा रहे हैं पूरी, तो उड़ीसा के बारे में आप क्या क्या जाने हैं? उड़ीसा में जो है मैंने अब तक चलते हुए ये भुवनेश्वर जो अपना राजधानी है, मैंने यही शहर है सबसे बड़ा देखा है जो, तो अभी तक सबसे ज़्यादा सुविधा मुझे यही मिली है। और यहाँ के लोग, वैसे उड़ीसा के सभी लोग अच्छे हैं, टोटली बहुत अच्छे हैं, मतलब धर्म के लिए तो वो जान देने के लिए तैयार हैं, ऐसे हमने देखे हैं बहुत से लोग। थोड़े बहुत हैं जो हरे रंग के हैं, वो नहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, नहीं तो भगवा हमारा हर वक्त जारी है, हमारे सपोर्ट करने बहुत लोग अच्छे हैं। अरे, ये जो पुण्य काम करने वाले हैं, ऑल इंडिया ट्रैवल लिखे हैं लेकिन वहाँ पे आप चार धाम यात्रा करने वाले हैं, ये आपके दिमाग में ये ऐसा आइडिया क्यों आया कि हम चार धाम यात्रा करेंगे, ये सब धाम यात्रा दर्शन करेंगे, तो ये जो आइडिया है वो किस लिए आया आपके दिमाग में? प्रचार करने के लिए थे, अभी सनातन धर्म के प्रचार, ये कोई तो मोटिव चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने हमारे दिमाग में एक पता नहीं परमात्मा ने दिया, भी पैदल तो चल ही रहे हैं तो क्यों ना धाम और ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाएं। अगर जीते जी, कुरान में लिखा है अगर जीते जी आदमी चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो उसका जो 7 पीढ़ी हैं वो सुधर जाती है, ऐसा कहते हैं। तो हमने कहा इससे बढ़िया क्या है, अगर हम कर सकते हैं तो हमारे में क्षमता है, कर सकते हैं। आपको आपका कितना उम्र कितना है आपका? अभी हाल ही में 1 अगस्त में 25 हुआ है। 25। खाना पीना कैसे कर रहे हैं? कुछ तो हमारे पास गैस सिलेंडर है, उससे छोटा वाला उससे बना लेते हैं, अगर नहीं मिले तो शहर वगैरह नहीं आए तो, नहीं तो हम कहीं शहर में देख लेते हैं फल फ्रूट थोड़ा बहुत खाना, जो नॉन वेज के बिना, मतलब शुद्ध खाना, शाकाहारी जिसे खाना कहते हैं वो खाना खाते हैं, अगर मिल जाता है तो खा लेते हैं, अगर कहीं नॉन वेज बनता भी है तो वहाँ हम जाते ही नहीं। ये आपको कितना दिन लगेगा ये कुछ आप जाने हैं या? 16 महीने और लग जाएंगे प्रभु, 8 हो गए हैं, 16 और लग जाएंगे, 2.5 साल के करीब चला जाएगा काम। और ये अभी तक 6,200 किलोमीटर हुआ है और 7,200 पिड़ा है। अच्छा, रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे, वो कुछ बोल रहे हैं आपको? बहुत लोग पूछने वहाँ, अभी हम जैसे तिरंगा लेके सब कुछ लेके चले हैं तो एक वैरायटी सी लग रहे हैं हम,
एक मजा, मतलब कोई मदारी सा लग रहे हैं, तो लोग पूछते हैं ये अलग सा इंसान क्यों आया, कैसे आया, क्या करने आया, तो लोग बहुत पूछते हैं, तो हम प्यार से उत्तर देते हैं, किसी को ऐसा नहीं, किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को नहीं कहते, जो भी हमसे पूछता है बड़े दिल और सत्कार से जो है सबको बताते हैं, हम ये कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये सब हम प्यार से बताते हैं। अच्छा, ये जितने भी धाम हैं आप घूमे फिरे हैं, वो कौन सा धाम में आपको जाते वक्त ये आपको बैड फील हुआ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ फील हुआ है आपको? हाँ, एक धाम में हुआ है, यहीं पीछे ही देवघर में, वहाँ एक सिस्टम है, अगर किसी के पास 500 रुपया है तो 500 रुपया दे के VIP में से दर्शन कर सकता है। अगर VIP सेक्शन बना है तो उसके लिए होना चाहिए जो कष्ट कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, तो अगर पहली बात तो VIP सेक्शन होना ही नहीं चाहिए, सारे लाइन में दर्शन कर रहे हैं तो सभी को एक साथ बराबर रहना चाहिए। वो क्या करते हैं, जिनके पास पैसा है उनको वह VIP में करा देते हैं, दूसरों को लाइन में लगना पड़ता है बहुत लंबी लाइन में, और ऐसा भी नहीं है दर्शन अच्छे से होंगे, वो लोग ऐसे हैं कि वहाँ पैसे के लिए ही बैठे हैं। हम तो ये कह रहे हैं भाई, चाहे उनसे जाके कह दो, चाहे कुछ भी कहें, हमें कुछ भी करें, हमें कोई डर नहीं है उनसे, सीधा कह रहे हैं कि वो पैसा खाने के लिए वहाँ बैठे हैं मंदिर में देवघर। अच्छा, और कुछ कहानी आप बताएंगे, जैसे कि इतने समय से आप घूमे फिरे होंगे, कभी आप कुछ बस या ट्रक या कुछ बाइक का लिफ्ट लेना ऐसा कुछ नहीं लिए? मेरे साथ इंसिडेंट बहुत हुए हैं, जैसे कई लोगों ने बहुत कोशिश की है, अब नहीं हम ले के ही जाएंगे, नहीं हम ले के ही जाएंगे, तो हम कई बार डांट भी देते हैं किसी को, ऐसे कैसे ले जाएगा भाई, तू इतनी मुश्किल से तो चल आ रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे फिर चल लेंगे, पर जाएंगे नहीं। कभी किसी मतलब जैसे कि पहाड़ चढ़ने के लिए कई कई बार हम लोग जानवर का हेल्प लेते हैं, एक धाम में भी ऐसा होता है, लेकिन इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं भाई, एक धाम है, धाम नहीं ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, वहाँ क्या होता है कि जिसमें क्षमता है, अगर किसी आदमी में क्षमता है तो वो चाहे, भगवान नहीं कहते हैं आप मेरे पास आओगे तो फ्री मोक्ष दूंगा मैं, ये भगवान कभी नहीं कहते हैं। क्या करते हैं, बुजुर्ग आदमी जाते हैं, घोड़ों पे बैठते हैं, वो घोड़े वाला घोड़ मारता है उनको बुरी तरह से, बहुत गंदे तरीके से मारता है, और वो मतलब आपने कई बार देखा भी होगा घोड़ों को मारते हुए ऊपर ले जाते हुए, तो हमें तो भाई बहुत आंसू निकले हमारे, तो हमने भगवान से बहुत कहा भी ऐसे लोगों को, पापियों को छोड़े नहीं चाहिए। और तो एक लड़की, एक जो थी हमारे सामने ही बुजुर्ग थी, वो घोड़ा भी गिरा 3 फुट का, 300 फुट गई खाई में, और वो भी मर गई, जो बूढ़ी औरत थी। हमने दुख नहीं हुआ, हमें लगा अच्छा हुआ, क्यों आए भाई, अगर पैरों में क्षमता है तो आओ, भगवान कौन सा किस कौन से ग्रंथ में लिखा है तू मेरे पास आएगा तो ही करेगा, वो तो जिसमें क्षमता है वो अपनी श्रद्धा है। तो लोगों को क्या समझना चाहिए इसमें? अगर कोई नहीं चल सकता है, कहीं नहीं जा सकता है, तो प्लीज़ यार किसी जानवर को ना परेशान करो इसमें, हमें सबसे कहना चाहते हैं अगर किसी में क्षमता है ना तो जाओ, अगर नहीं चल सकते तो नहीं जाओ, क्योंकि किसी जानवर को आप जानवर के ऊपर चढ़कर उसे मार पीट करके ऊपर लेके जा रहे हो, इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। तो ये सब जो काम आप कर रहे हैं इसमें आपका परिवार कैसा सपोर्ट कर रहे हैं आपको, माता पिता होंगे वो सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, ये हमारा जो 25 साल का लड़का है वो चारी धाम यात्रा करे, हम यहाँ घर पे रहें? नहीं नहीं, वो उनको तो, वो तो हमें ये कह रहे हैं कि हमारा तो धन्य है भी, हमें हमारा बच्चा जा रहा है कहीं धाम के लिए, हम तो नहीं कर पाए तो हमारा बच्चा कर रहा है, तो वो तो खुश है, वो तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, फैमिली में अभी आपका कौन सा मतलब फैमिली कैसा चल रहा है अभी, आप घर में कौन कौन है, पिता माता का केयर कौन कर रहा है, खाना पीना वो कैसे कर रहे हैं, मतलब आपका परिवार का अर्निंग सोर्सेस क्या है? हमारे एक दुकान है इलेक्ट्रिशियन की, उसमें हमारा भाई, बड़ा भाई, दो भाई हैं, एक पढ़ रहा है, एक बड़ा जो मैसेज बड़ा भाई है वो दुकान में काम करता है, तो उससे अर्निंग होती है, और पापा ज़्यादा काम नहीं करते हैं, भाई ही करते हैं, और जो बड़ा भाई, दोनों भाई करते हैं वहाँ पे। हमें एक काम में इंटरेस्ट नहीं था तो वैसे भी नहीं करते थे हम, तो थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते थे, तो वो हमें इसी काम के लिए छोड़ दिए। अच्छा, रास्ते में जाते वक्त आप भगवान शिव जी का कुछ भजन भजन गाए हैं? हर वक्त हमारे, कौन सा फेवरेट कौन सा है? हर वक्त हम ज़्यादातर मेरे महादेव और हर हर महादेव करते आते हैं, और जब राधे अपना कृष्ण जी का है, हरे कृष्णा हरे राम,
वो करते करते आते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा। अभी आप उड़ीसा में हैं, हम लोग बातचीत किए, आप उड़ीसा के बहुत सारे आदमियों से भी बातचीत कर रहे होंगे जी, लेकिन ये आप उड़ीसा को याद रखेंगे आपके? बहुत बहुत, हमें जो जिसमें जिस स्टेट से भी निकलते हैं सभी याद रहता है, और इससे कभी कोई आदमी भूल भी जाता है उसकी डायरी भी लगा रखी है, कम से कम 5 डायरी हैं जो भर चुकी हैं अभी तक लोगों के नाम से, वो सबके नाम लिख लेते हैं, कभी कहें ज़रूरत पर जाए नंबर समेत लिख लेते हैं सब। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पैरों में छाले भी पड़े हैं कुछ, टीचर्स सूज गए हैं। हाँ, ये पैर में ये क्या हो गया? ये ज़्यादा चलने से, 36 घंटे से नहीं सोए ना, तो 2 घंटा कल आज सुबह सुबह 2 घंटा रेस्ट कर लिया, उससे क्या हुआ कि ये पैर सूज गए। गाड़ी में सोए थे किसी के, गाड़ी मतलब किसी ने लगा दी थी पेट्रोल पंप पे, तो वो कह रहे थे आप हमारी गाड़ी में सो जाओ, वहाँ सोने की जगह नहीं थी, तो वहाँ गाड़ी में सो गया, गाड़ी स्टार्ट करके भैया ने दे दी हमें, एसी चला के दे दिया, हम सो गए, 2 घंटे तक नहीं उठे, तो वहाँ जो एसी में रहने के कारण शायद ये पैर सूज गए। ये एक यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी भी है? जी जी, ये हम जो है यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी भी चलाते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई सपोर्ट करना चाहता है तो इससे कर सकता है भाई, क्योंकि इससे जो है थोड़ा बहुत हमें भी हिम्मत मिलती है कि हमें कोई देखने वाला है, हमें कोई सपोर्ट करने वाला है, कोई चाहने वाला है, तो प्लीज़ अगर किसी को ये सनातन धर्म अच्छा लगता है, अगर किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इसे ज़रूर देखिए प्रभु। सनातन धर्मर प्रचार प्रसार पाई चारिधाम यात्रा करुछंती, पादरे अनेक प्रकार आघात से होती, तथापि हार मानि नाहंती, एबे पुरी आड़की गस्त करुछंती जगन्नाथ धाम पहुँचे, जगन्नाथ को दर्शन करिवे, आशा करुछु आमर एही प्रयास आपण मानू निहाती गोटे सनातन धर्म प्रति आकृष्ट करेब, आपण निहाती भाव में यही भाई काम को नहीं प्रशंसा करेंगे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन बापू राहुल, प्रतिदिन टीवी।